एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में करा था चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, और हमने उसे कंप्लीट कर लिया था इंक्लूडिंग बैक एक्सरसाइजेस। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, आप देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 4 ही, और ये भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और जो आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इसको समझने में टाइम लग सकता है, पर अगर एक बार अच्छे से समझ आएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली बोला क्या गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इसमें बोला क्या गया है, इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट, दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। You might have wondered why a particular types of clothes are suitable for a particular season. तो इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें बेसिकली ये बोला गया कि जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि याक हो गए, गोट हो गए, इन सबके जो शीप हो गए, इन सबके जो वूल होता है वो हेल्प करता है वुलन क्लोथ बनाने में, जो हमें विंटर में प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है वो थिक होती है। वेयर एज समर्स में हमें, क्योंकि बहुत वेदर बहुत हॉट होता है, इसलिए हम लाइट कलर कॉटन क्लोथ पहनना प्रेफर करते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल डाउन रहे। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि ये सब पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स क्यों सुटेबल होता है पर्टिकुलर सीजन के लिए। सो जो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो अब अगला आपका उसमें है टॉपिक हॉट एंड कोल्ड का। सो इसमें क्या बोला गया, इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट, you see that some objects are cold while some are hot, you also know that some objects are hotter than others while some are colder than others, how do we decide which object is hotter than the other, we often do it by touching the objects but is our sense of touch reliable, let us find out। तो इसमें क्या बोला गया, जब आप कभी भी कोई गर्म चीज जैसे टी मतलब चाय को भी उसका कप आपने बाहर से छुआ होगा तो वो गर्म लगता है, और कभी आइस छूगी तो वो ठंडी लगती है। सो इसमें ये पूछा गया, जो हमारे हाथों का जो हमें सेंस करता है, जो हमारे टच से, क्या वो रिलायबल है कि हमें कि जो पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर वो ठंडी है। सो यही चीज हम आगे फाइंड आउट करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप कभी भी कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट मत छूइएगा जो बहुत गर्म हो विदाउट एनी सर्विलियंस, मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के अंडर पे छू रहे तो देन इट्स फाइन, बट कभी भी कैंडल फ्लेम या स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट्स हार्मफुल फॉर द किड्स। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट में आता है मेजरिंग टेम्परेचर। सो इसमें क्या बोला गया है, द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, ये आपका वन मार्कर है, इसको लिख लीजिएगा। वट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, ये वो वाला थर्मामीटर नहीं है जो डिजिटली वो बटन से चलता है, वो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं जो क्लिनिकल होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है, और इनमें मर्क्यूरी होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है उसमें। तो इसमें ये बोला गया कि एक थर्मामीटर को अपने हाथ में लीजिए और उसको केयरफुली एग्जामिन करें। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सो इसमें है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर, द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, a clinical thermometer reads temperature from 35 degree celsius to 42 degree celsius। so isme kya hai, bahut complex lag raha hoga padhne mein, bahut complex lagta hai to main simple bhasha mein batati hu aapko। so jo mercury hai wo ek long hota hai,
नैरो होता है और यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं से मोटा नहीं है कहीं से पतला नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेट है। सो इसके जो एंड में, अगर आपने कभी क्लिनिकल थर्मामीटर देखा होगा तो यहाँ पे बल्ब सा होता है और उस ये जो बल्ब होता है ये पूरा कनेक्टेड होता है और इस बल्ब में पूरा मर्क्यूरी बना होता है। सो मर्क्यूरी अगर आपने देखा नहीं तो वो कुछ ऐसा होता है और मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, और वो कैसे भी मतलब बाकी सब तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स होते हैं पर मर्क्यूरी ऐसा जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में है। और बेसिकली इसमें आगे क्या बोला गया है, और जो बल्ब के बाहर है एक शाइनिंग थ्रेड होता है मर्क्यूरी का, अगर आपको नहीं दिखे तो टिल्ट करना पड़ता है, बेसिकली उसमें टेम्परेचर इंडिकेट करता है तो वो कभी कभी नहीं दिखता है। सो जो थर्मामीटर का स्केल होता है वो हमेशा हम सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस आपने देखा होगा, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो टेम्परेचर रीड करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं जो फिलअप सुना सकता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिए आपका फिलअप आ सकता है। और ये कौन से स्केल का होता है, वो होता है डिग्री सेल्सियस, जिसे कुछ ऐसा लिखा जाता है, कुछ ऐसा लिखते हैं उसे, डिग्री एक ऊपर डिग्री का साइन होता है और ये सी होता है बड़ा सा कुछ ऐसा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया हो, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते ही है, 1 मार्कर 2 मार्कर तो आते ही है। सो आई होप आपको ये वाली भी स्लाइड समझ आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर का टॉपिक था ये इम्पोर्टेंट था। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो टॉपिक करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और वो भी पूरा कंप्लीट लेक्चर ले जाएगा। सो क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था तो आज मैंने आपके लिए टॉपिक कम रखा, क्योंकि अभी आपको समझना, अब आपको होमवर्क में क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी से खुद से पढ़ना है, आगे का भी पढ़ सकते हैं पर बेटर होगा कि जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। सो अब आपको बस इसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।